हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता, 9 बज चुके हैं और डेली आपके लिए एक मैथ की क्लास दी जाती है हमारे द्वारा, और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी या SSC GD बोल सकते हैं, ठीक है, उसी लेवल का कराया जा रहा है फिलहाल, ये जो बैच चल रहा है मैथ का, ठीक है। और आप लोगों को अच्छा समझ में भी आ रहा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बताता, जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और आप लोगों का भी भरोसा हम पर बढ़ता जा रहा। हम भी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आपका भरोसा ना टूटने दें। ये क्लासें कंटिन्यू रहने वाली हैं, और जब तक रहेंगी, जब तक ये पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता आपका, ठीक है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SSC GD हो, इन सभी के लिए ये बैच इस तरीके से दिया जा रहा, ठीक है, जिससे कि ये जो बच्चे रहते हैं कि उसी के लेवल का इस तरीके के जो सवाल पूछे गए हैं उसी के आधार पर एक रणनीति बनाकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप देखना, जितने भी जैसे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी दोनों टॉपिक खत्म किए हैं, आप प्रीवियस ईयर उठाना और खुद से भी सवाल निकालना, जो भी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या SSC GD बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको इसी तरीके के सवाल मिलने वाले हैं, कोई नए सवाल नहीं है, ठीक है। आप भरोसा करके कंटिन्यू वीडियोस को देखिए और पूरा कंप्लीट करिए, आपको कुछ भी अलग नहीं मिलने वाला, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगा लिए, एक आध किताब और घर पे पढ़ लीजिए, बस आपका मैथ में काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको ना ही पढ़ने की ज़रूरत है कॉन्स्टेबल के लिए, और ना ही आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप देखो, आप यकीन करो और चीज़ों को पढ़ते चलिए, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला, ठीक है। काफ़ी सालों का अनुभव है, अनुभव भी कोई चीज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों की जानकारी होना, कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कितना पूछा जाता है, ये सबसे मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि कहाँ से नहीं पूछा जाएगा। जिसको इतना पता वो ठीक है, वो अपने फील्ड में माहिर है, क्योंकि सब एक तरफ से बहुत सारा पढ़ा देते हैं। मानिए आपको कॉन्स्टेबल की तैयारी करनी है और मैं पढ़ा दूँ आपको इतना सारा मैथ कि जिसका कोई यूज ही नहीं है, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, उसमें समय भी आपका खराब होएगा। इससे अच्छा है कि जो समय आपके पास है उसका अच्छे से प्रयोग करिए और सब्जेक्टों पर ध्यान दीजिए। मैथ का जितना आता है कॉन्स्टेबल में उसका हिसाब से ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आज हमारा नया टॉपिक है धारा और नाव। धारा और नाव, और धारा और नाव से भी जब भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, वो बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब सवाल पूछा जाएगा कॉन्स्टेबल में या SSC GD में या दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में, देखिए जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा, देखो धारा व नाव और ट्रेन से रेलगाड़ी संबंधित जो सवाल रहते हैं, उसके बाद टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, उसके बाद है जी एक टॉपिक दौड़, ठीक है। इन चारों टॉपिकों में से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको एक ही यूनिट में रखा जाता। चाहे आपसे सवाल धारा व नाव का पूछ सकते हैं, या रेलगाड़ी से, समय और दूरी से, ठीक है, समय और दूरी या दौड़ से, ठीक है। ये चार टॉपिक हैं, इनमें से कम ये मान के चलिए कि दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, और दो क्वेश्चन कॉन्स्टेबल में ऐसे मिलने वाले हैं बिल्कुल आसान से, ज़्यादा हार्ड, बहुत बड़ा लेवल नहीं, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। ऐसा सवाल देंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवाई दे देंगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, बस बात खत्म। ऐसा सवाल आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं आने वाले, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हो कि हाँ अब तक के सवाल कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेहतर तैयारी कर रहे हो फिलहाल में, और बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहे हो, मेरे और रोहित सर के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा। आप भरोसा करके हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो जुड़ रहे हैं उनका अच्छा रेस्पॉन्स भी मिलता, कि हाँ उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता, ठीक है, क्योंकि हाँ बच्चे हम पर भरोसा कर रहे हैं और दिन पर दिन तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और क्लासों की बात रही, वो जल्दी और भी क्लास आएंगी चैनल पर, ऐसा नहीं है कि और सब्जेक्ट की क्लास नहीं मिलेंगी, वो भी जल्दी आपको देखने के लिए चैनल पर क्लास मिलेंगे, ठीक है। तो आओ अपनी क्लास को शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो धारा और नाव में होता क्या है, पहले आज एक बिल्कुल बेसिक बात समझिए कि धारा और नाव में बेसिक चीजें होती क्या है। देखिए ऐसे मानकर चलते हैं, देखो दो कंडीशन होती हैं जी, कौन कौन सी मैं दिखा देता हूँ। ऐसा मानिए कि भाई धारा और नाव की बात कर रहे हैं, और पानी ना हो तो उसमें बेकार, ठीक है, क्योंकि धारा और नाव, धारा क्या है जी, वो बहने वाली धारा, ये हमने इस तरीके से पानी की बात करी, ठीक है, दो कंडीशन मिलेंगे,
एक तो जी क्या नाव चल सकती है धारा की दिशा में, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि भाई धारा एक ठहरा हुआ पानी में नाव होगी और धारा के विपरीत दिशा में नाव होगी, तीन कंडीशन होंगी। अब देख ये मैंने लिखा और एक मैं यहां बना देता हूं जी। और एक और मैं बना देता हूं इधर, ठीक है। देखिए अब इसमें तीन चीज मिलेंगी क्या जी, एक तो धारा की बात हुई है और एक नाव की, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। अब स्थिति में पहली कंडीशन क्या होगी, ये मानिए कि पहली कंडीशन जो है ये कर रहे हैं जी हम शांत जल की बात, शांत जल जब ठहरा हुआ जो पानी रहता उसकी बात कर रहे हैं, और ये बहता हुआ पानी है कब जी, ये कौन सी कंडीशन है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में या बोल सकते हैं अनुदिश, या मैं अनुदिश ही लिखे देता हूँ, धारा के अनुदिश, या बिल्कुल आप इतना समझ लेना ये अनुदिश हो गया, धारा की दिशा में इसका मतलब ये है, और विपरीत धारा के विपरीत दिशा में, अनुदिश हो गया और ये हो गया जी विपरीत, अनुदिश या लिख देता हूँ जी धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। यहां अब देखिए मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई शांत जो जल था उसमें नाव की कुछ चाल होगी, अब भाई नाव मेरे पे बनानी नहीं आती, मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये तो कटोरी बन गई, ठीक है, मतलब नाव आप समझ लेना कि भाई ये नाव है, और शांत जल में यदि नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात इधर समझिए, अब ऐसे देखिए धारा की दिशा में ये मान के चलिए कि जो धारा जो बह रही है वो इस दिशा में बह रही है, ठीक है, पानी का जो बहाव है वो इस दिशा में, पानी का जो बहाव है जी वो इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में पानी का बहाव है और इसमें नाव भी है, पानी का बहाव इस दिशा में, इसमें क्या जी एक नाव है, इसमें ये नाव है जी एक, ठीक है, और नाव की दिशा भी किधर है, इधर की साइड, नाव की दिशा भी इधर की साइड है और धारा की दिशा भी है। अब पानी की खुद की भी स्पीड होती है कुछ, कि पानी किस चाल से वास्तव में बह रहा है, पानी की भी स्पीड, तो हम कह देंगे कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल वो कितनी है जी y किलोमीटर प्रति आवर, ये मानकर चले, ठीक है। तब धारा के अनुदिश चाल जो देखेंगे हम, तब यहां से हम क्या चीज निकालेंगे जी, अनुदिश चाल मतलब धारा की दिशा में चाल नाव की, अनुदिश चाल, तो इसी दिशा में नाव चल रही है और इसी दिशा में धारा बह रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। आपने देखा होगा यदि आप किसी नहर या कहीं गए होगे, जो नाविक जो होता है जब नाव को चलाता तो जिस साइड पानी बह रहा होता उस साइड उसको चलाने में आसानी होती है, क्यों, क्योंकि उसकी जो धारा की जो गति है वो नाव की गति में जुड़ जाती है, ठीक है, जब ही तो आसान होती है। इसका मतलब नाव की भी जो गति है, इसका मतलब क्या जी, धारा की गति नाव की गति में जुड़ जाती है, नाव की गति शांत जल में एक्स और ये वाई, तो उसकी दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, एक्स किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ भाई, धारा की दिशा में नाव की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी जी एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। इतनी बात अब तक समझ में आई होगी। अब एक और कंडीशन ये है, आगे की बात करें, अब की बार
पानी जो बह रहा वो उल्टा बह रहा, किस साइड जी, इस साइड, ठीक है। अब के पानी इस साइड बह रहा, जब इस साइड बह रहा है पानी तो धारा की चाल कितनी है जी, वाई किलोमीटर प्रति आवर। और जबकि नाव जो बह रही है, जो नाव जो चल रही है जी, वो किधर की साइड चल रही है, नाव की गति ये है। अब नाव की गति शांत जल में कितनी थी, एक्स किलोमीटर प्रति आवर, और ये धारा की जो थी वो कितनी थी, वाई किलोमीटर प्रति आवर अभी लिया। अब मेरी बात समझिए, जब नाव को हम ऐसे समझिए, पानी बहरा इस साइड और नाव चल रही है उस साइड, तो पानी नाव को रोकने के लिए उस पर प्रेशर डालेगी, इसका मतलब उसका अवरोध उत्पन्न होगी, उसे रोकने के लिए प्रेशर डालेगी, तो कहीं ना कहीं जो उसकी नाव की गति थी उसकी गति को कम करेगी। अगर नाव चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और उधर से पानी का बहाव है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को तो दबाव बनाएगी, इसका मतलब उसकी जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर देगी। कहने का तात्पर्य ये, अगर नाव उस साइड में चल रही है और धारा इस साइड में बह रही है, तो नाव की वास्तव में उसकी विपरीत दिशा में जो चाल होगी, कह सकते हैं नाव की विपरीत चाल, धारा की दिशा में विपरीत चाल जो होगी वो क्या होगी जी, एक्स में से जो भी नाव की चाल थी उसमें से हम क्या घटा देंगे, धारा की चाल, तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगी। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब एक बात और समझिए मेरी छोटी सी, देखिए एक बात और समझिए। अब हमें अनुदिश चाल भी पता और विपरीत चाल भी दी हुई है, क्या वास्तव में ये बात ठीक है कि भी वास्तव में इतनी आनी चाहिए, अगर ट्राई करना तो इधर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछी जाए, शांत जल में नाव की चाल, तो हम क्या करेंगे जी, अनुदिश चाल और विपरीत चाल को जोड़कर आधा कर देंगे, अनुदिश चाल और विपरीत चाल को जोड़कर, अनुदिश और प्लस विपरीत चाल को जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे। अनुदिश कितना जी, एक्स प्लस वाई, और विपरीत एक्स माइनस वाई बटे दो, वाई से वाई कट जाएगा तो कितना आया जी, 2x/2, इसका मतलब एक्स किलोमीटर प्रति आवर आई, बात ठीक है बिल्कुल, ठीक है। यदि अनुदिश और विपरीत चाल दी गई हो तो हम क्या करेंगे जी, जोड़कर आधा कर देंगे, इसका मतलब एक्स किलोमीटर प्रति घंटे बात आई। यदि हमें धारा की चाल निकालनी हो, यदि हमें धारा की चाल निकालनी हो और अनुदिश और विपरीत चाल दी हो, तो घटाकर आधा, देखो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई और बटे दो, जब इसको आगे हल करेंगे, देखो जब इसको एक्स से एक्स कट जाएगा तो 2y/2 बचेगा, तो ये कितना आया जी, वाई किलोमीटर प्रति आवर, बात समझ में आ गई ना। यदि शांत जल में जो भी चाल है हम क्या करेंगे, जोड़कर आधा और घटाकर आधा, यदि अनुदिश चाल दी हुई है और विपरीत चाल दी हुई है, अगर हम शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे उसका आधा कर देंगे, इसी तरीके से यदि हम धारा की चाल निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे आधा कर देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं इसी के ऊपर। देखिए ये मान के चलो कि शांत जल थी और शांत जल में नाव की जो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक थी धारा, और धारा की जो चाल थी वो कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति आवर। यदि अनुदिश चाल की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, यदि हम अनुदिश चाल निकालें धारा की दिशा में चाल, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति आवर। इसी तरीके से यदि हमें विपरीत चाल निकालनी हो तो ये 10 किलोमीटर प्रति आवर और इसमें से धारा की चाल घटा देंगे, ये कितना आया जी, 8 किलोमीटर प्रति आवर, बात सुन मांगी। अब बाई चांस आपको ये दिए हो, दो कंडीशन ये दी हुई कि अनुदिश चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल निकालो, अब क्या करना, जोड़कर आधा, 12 और 8 को जोड़िए, 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति आवर, बात समझ में आई। अब यदि हमें धारा की चाल निकालनी हो तो फिर ऐसी कंडीशन में घटा कर आधा, 12 में से 8 गए 4, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति आवर, बात समझ में आई ना, ये धारा की चाल निकल कर आ गई, ठीक है। ये थी बेसिक बातें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं सवालों पर, और आप यकीन मानिए इन चार टॉपिकों में से जो भी मैंने अभी बताए थे, धारा व नाव, रेलगाड़ी, टाइम एंड डिस्टेंस, ये समय और दूरी और दौड़, इनसे गिने चुने ही बार बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार उसी टाइप के, बार बार उसी टाइप के, तो
तो जितना मैं बताऊं वो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठा लेना और ये क्लास पढ़ लेना जितनी भी है, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ठीक है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है बिल्कुल। कि आपको कोई और आपको बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये समझे कि आपका स्मार्ट वर्क चल रहा, कम समय में ज्यादा नंबर वाली कंडीशन, ये वाला इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप वाकई में ही हाँ भरोसा करते हो इस बात पर तो बिल्कुल आंख मीच के पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी कंडीशन से पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी उठा सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ वास्तव में ये बात ठीक है या नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए पहला सवाल, एक नाव की धारा की दिशा में, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका मतलब धारा की दिशा में जी अनुदिश चाल कितनी है जी, 15.5 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के विपरीत चाल, अब क्या जी अनुदिश दी हुई है और जी विपरीत चाल भी दी हुई है, विपरीत कितनी है ये जी 8.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछ क्या रहा, वो पूछ रहा धारा का वेग हमें निकालना है, धारा की चाल। देखिए जब अनुदिश चाल दी हो और विपरीत चाल दी हो तो धारा की चाल हम क्या निकालेंगे जी, घटाकर आधा। अगर यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल पूछता तो जोड़कर आधा, तो धारा की चाल निकालना तो घटाकर आधा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 7/2, तो ये कितना आ जाएगा जी 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ आई, जब भी आपको अनुदिश चाल दी हो और विपरीत चाल दी हुई हो, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे और आधा कर देंगे, किसके लिए जी, वो धारा की चाल निकल कर आ जाएगी। और यदि अनुदिश और विपरीत इन दोनों को जोड़ दिया जाए और इसका आधा कर दिया जाए तो ये किसका निकल कर आएगा जी, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। ये आया तो इसका आंसर क्या हुआ जी, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आ गई ना, अनुदिश चाल दी हुई है और विपरीत चाल दी गई है, धारा की चाल के लिए जोड़कर आधा कर दीजिए बात, ठीक है, 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरे सवाल पर, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अनुदिश चाल कितनी है, अनुदिश चाल है जी धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा के विपरीत चाल कितनी है जी, वो दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब पूछ क्या रहा, अनुदिश और विपरीत दो चाल हमें पता, अब वो पूरा शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा। जब अनुदिश और विपरीत चाल दी गई हो तो शांत जल में नाव की चाल जोड़कर आधा करिए और धारा की चाल के लिए घटाकर आधा करिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9, 6, 15 और 2/2, ये कितना आ जाएगा जी 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये होगी क्या, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। अगर आपसे यहां पर धारा की नाव पूछता तो धारा की नाव नहीं, धारा की चाल, तो हम क्या करते, घटाकर आधा, 9 में 6 गया 3 और इसका आधा करते 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। बात समझ में आ गई ना, यहां पर दोनों को जोड़ा आधा करा 7.5 किलोमीटर प्रति आवर और घटाकर आधा करेंगे धारा के लिए, धारा की चाल पूछा, पर ये पूछा नहीं गया, पूछा ये गया तो आंसर कौन सा लेंगे, 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। देखिए सबसे पहले हम अनुदिश चाल निकालते हैं, अनुदिश चाल या धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता, मैं लिखे देता हूं यहां, चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, अब दूरी कितनी है जी 24 किलोमीटर, समय कितना ले रहा 4 घंटे, तो चाल कितनी निकल कर आई 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें निकालनी है विपरीत चाल, इतनी ही दूरी को उसने कहा तथा धारा के विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है,
पहले 24 किलोमीटर की दूरी को चलने में कितना समय लिया जी, 4 घंटे, अब 6 घंटे, अब कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमें धारा के अनुदिश और विपरीत चाल दोनों पता चल गई। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछे तो जोड़ कर आधा कर दो, धारा की चाल पूछे घटा कर आधा, बात खत्म। तो एक रहा शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में हमें नाव की चाल निकालनी है, तो मैंने लिखा जी शांत, और 6 और 4 10 का आधा करेंगे 5, 5 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आई जी, वो चाल निकल कर आई किसकी, शांत जल में नाव की चाल। तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितनी निकल कर आई जी, वो निकल कर आई 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अनुदिश और विपरीत को जोड़ा उसका आधा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, अनुदिश चाल निकालते हैं, अनुदिश और विपरीत चाल निकालते हैं। यदि अनुदिश चाल की बात की जाए तो 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी जी 10 घंटे में, तो चाल दूरी बटे समय, तो कितनी आई निकल कर, 2.4 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई अनुदिश चाल। अब हमें निकालनी है जी विपरीत चाल, धारा के विपरीत इतनी दूरी तय करने में नाव को 2 घंटे अधिक लगे, इसका मतलब दूरी कितनी थी 24 किलोमीटर। अब की बार 2 घंटे अधिक लग ले, पहले 10 लग रहे थे, अब की बार 12 घंटे, तो अब की बार कितनी आई 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकल कर आई धारा के विपरीत नाव। अब धारा की दिशा में चाल 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा के विपरीत चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो पूछ कह रहा, वो पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो शांत जल में हम क्या करेंगे जी, धारा के अनुदिश चाल मिल गई, विपरीत चाल मिल गई, शांत जल के लिए जोड़कर आधा 4.4 और बटे 2, ये कितना आएगा जी 2.2 किलोमीटर प्रति आवर, 2.2 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आए जी, वो शांत जल में 2.2 आना चाहिए, इसमें कितना है जी 10 किलोमीटर, 2.4, धारा की दिशा में 24, 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी, इतनी दूरी विपरीत दिशा में 2 घंटे अधिक लगते हैं, तो ये आया 4.4, तो 2.2 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी, तो यहाँ पर 2.2 है जी, 4.2 नहीं, ठीक है। ये हमारा हुआ शांत जल में नाव की चाल, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं, और अब तक के बिल्कुल आसान आसान सवाल पूछे गए, और इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी ज्यादा आपको ज्यादा ऐसा सवाल नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत होगी। अब देखिए, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी है? अब की बार दूरी की बात कर ली है जी। अब देखिए, समय की बात की है तो मैं ये लिख सकता हूं जी, समय, अनुदिश और विपरीत, मतलब धारा की दिशा में अनुदिश और धारा के विपरीत लिया गया। देखिए, धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लगता, इसका मतलब अनुदिश समय 4, और इतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाने में 5 घंटे का समय। अब ये तो हुआ समय की बात, यदि हम चाल की बात करें, चाल का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा 5:4। क्यों उल्टा होता? उल्टा इस वजह से होता कि यदि चाल बराबर जो होता वो किसके बराबर होता, दूरी बटे समय के। अब देखो, चाल जो है वो किसके समानुपाती है, वो दूरी के समानुपाती है, और चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। जब चाल का अनुपात लेंगे, समय का उल्टा हो जाएगा, जैसे 1:4:5, तो 5:4 आ जाएगा, पलट दीजिए सीधी सीधी बात, ठीक है। अब करते हैं आगे की बात। अब अनुदिश चाल 5 और विपरीत चाल 4, ठीक है। अब धारा की वेग दिया हुआ, धारा का 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे पास क्या जी, अनुदिश चाल और विपरीत चाल का अनुपात है, तो हम धारा की चाल कैसे निकालते थे, दोनों को घटाकर आधा,
यहां पर पांच और चार को जब घटाएंगे, मैं लिखे देता, देखिए हमारे पास क्या दिया, धारा का वेग दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा का वेग कैसे निकालते हैं, जब अनुदिश और विपरीत चाल दी गई हो उनका घटाकर आधा। तो यहां पर पांच और चार का अंतर करेंगे एक, उसका आधा, 1/2 बराबर किसके आया जी, 2 किलोमीटर प्रति आवर के। 2 किलोमीटर प्रति आवर कौन सी चाल थी, इसके हमारे अकॉर्डिंग 1/2 धारा की चाल, क्योंकि अनुदिश और विपरीत चाल दी है 5:4, इसका घटाकर आधा करेंगे 1/2 और वो करा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें एक की वैल्यू निकालेंगे यहां से कितनी आई, 4 किलो, मतलब ये दो ऐसे लिखेंगे, 4 आया, एक की वैल्यू 4, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 1/2 किलोमीटर प्रति आवर और उनके अकॉर्डिंग 2 किलोमीटर प्रति आवर इस तरीके से, इससे ही। तो 1/2 बराबर 2 के, तो एक की वैल्यू किसके आई जी, 4 के बराबर आई। वो क्या पूछ रहा है, दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी। अब दूरी जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो दूरी बराबर जो होता वो होता जी चाल गुणा समय, दूरी जो होता जी वो होता चाल गुणा समय के। अब इन दोनों की गुणा कर लो या इन दोनों की गुणा कर लो, दोनों कंडीशन में ही दूरी बराबर होगी। अगर अनुदिश समय जो धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लगता है, 5 की चाल से 5 चौक 20, चाल गुणा समय और 20 की दूरी, इधर 1/4 के, तो 20 बराबर किसके हो जाएगा, 20 की गुणा हम 4 में कर देंगे, ये हो जाएगा जी हमारा 80 किलोमीटर। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी जी 80 किलोमीटर। बस सुन भाई, धारा के अनुदिश और विपरीत जो समय दिया गया था, धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लगता है और विपरीत 5 घंटे का। अब चाल का अनुपात हो जाएगा उल्टा, 5:4। अब हमें पता, जब धारा की अनुदिश चाल और विपरीत चाल दी जाती है तो धारा का वेग कैसे निकालते हैं, जो घटाकर आधा, 5:4 का अंतर 1 का आधा 1/2, जबकि सवाल में कह रहा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/2 बराबर 2 के, 1 की वैल्यू 4 और 20 बराबर कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि दूरी 4 की 5 में कर देंगे, दूरी बराबर चाल गुणा सब, ठीक है, 80 किलोमीटर दोनों बंदरगाहों की बीच की दूरी हो। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा बेसिक बता दें, बेसिक कंसेप्ट क्या था धारा और नाव का, किस तरीके से यदि धारा की दिशा में ही नाव चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है तो धारा उस नाव को रोकने का प्रयास करती है, जितनी वो गति से चलती है तो उतनी ही उसकी गति कम कर देती है। ठीक है, तो ये चीजें समझे, और सिर्फ आज 5 सवाल ही करें, ठीक है, इस टॉपिक से वही गिने चुने सवाल आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 टॉपिक है, जितना मैं कराऊं कांस्टेबल के लिए वो काफी है, बिल्कुल सफिशिएंट है, इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो भी आपके पास किताब है उसको पढ़िए, ठीक है, भरोसा करना मेरी बात पर, और या फिर प्रीवियस ईयर देखिए किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ज्यादा हार्ड लेवल के नहीं, घुमा फिरा के वही सवाल पूछे जा रहे हैं हर बार, ठीक है, थोड़ा बस संख्या चेंज कर रहा इन टॉपिकों से, मतलब नए सवाल जो बनते हैं वो कम बनाते हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं आधारों पर बनाते हैं, जैसे SSC मेंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वहां पर बस मतलब तरीका बदल दिया जाता है सवालों को पूछने का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद।